हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ मशरूम की सब्ज़ी। जो कि मैंने लहसुन और बिना प्याज का बनाया है, जैसा आप देख सकते हो ये बहुत ही लजीज। और जैसे मैंने एक बर्तन में मशरूम को ले लिया है, उसे मैंने गैस पे चढ़ा दिया है थोड़े से पानी में उबलने के लिए। जैसे ही उबल जाएगा उसे मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी, एक प्लेट में निकाल लूँगी। सारे सबको मैं अच्छे से धो वॉश कर लूँगी ताकि इसमें जो भी फंगल्स हो निकल जाए। सबको मैंने निकाल लिया है। अब मैं एक शिमला मिर्च कट करूँगी, दो हरी मिर्च, एक कटोरी दही लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा सॉस मिला लिया है। ये टमाटर है और शिमला मिर्च मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, अच्छे से पीस लिया है। अब मैं कढ़ाई चलाऊंगी, कढ़ाई में मैं तेल डालूंगी, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा, एक तेज़पत्ता और कटी हुई मिर्ची जो मैंने रखी थी वो डाल दूंगी। यहाँ मसालों के लिए मैंने हल्दी लिया है, गोलकी पाउडर, गरम मसाला, जीरा और सब्जी मसाला, और ये मैंने पाव भाजी मसाला लिया है। दही मैं ली हूँ, आप देख सकते हो। मैं सारे मसालों को दही में डाल दूंगी। गोलकी डाला मैंने, गरम मसाला डाला, जीरा, सब सारे मसालों को मैं डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिला लूंगी। सब मसालों को दही में फेंट लेना है, मिला लेना है अच्छे से। और यहाँ मैंने सोया सॉस लिया है थोड़ी सी, आधी ढक्कन से भी कम। मैंने कढ़ाई में मिर्ची डाला था, मिर्ची डाला, अब इसे मैं अच्छे थोड़े से भूंज लूँगी। फिर मैं टमाटर और शिमला मिर्च की प्योरी जो बनाया था वो मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। इससे इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, नमक आप अपने अकॉर्डिंग ही डालें। इसके बाद मैं इसे अच्छे से भूंजूँगी। मैंने भूंज लिया, इसमें मैं सोया सॉस थोड़ा सा डाल दूंगी और दही जो मैंने मसाले के साथ फेंट के रखा था उसे भी मैं डाल दूंगी। डालकर अच्छे से मिलाना है, थोड़ी देर देख लीजिए, मिलाना है थोड़ा जब पकने दें। इसमें जब थोड़ा पक जाए तो इसमें जो भी मैंने कट करके शिमला मिर्च रखा था वो सारे शिमला मिर्च मैं डाल दूंगी। अब मशरूम डाल देंगे। अब इसे अच्छे से भूंजना है। मसाले मेरे भूंज रही है, आप देख सकते हो कितनी टेस्टी है, लाजवाब लग रही है। इसे ढककर 10 मिनट भूंजिए। देख सकते हो आप मेरी सब्जी रेडी हो गई है। थोड़ी सी कच्ची है पर मैं थोड़े और पकाऊंगी इसमें। मेरी सारी सब्जी तैयार हो चुकी है। 5 मिनट और ढककर पकाएंगे। मैं लास्ट में मैं इसमें नींबू डाल दूंगी मसाले।